हेलो एवरीवन, निधि के चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी चॉकलेटी केक विदाउट चॉकलेट विदाउट ओवन और घर में रखी हुई सामान से बनाकर हमने इसे तैयार कर लिया है। तो आपका भी है बर्थडे तो आप इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताना ना भूलें। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम केक बना लेते हैं। तो इसके लिए हमने ले लिया है आधा कप दही, अच्छी तरह से फेंट लेंगे। तो दही फिट गई है तो आधा कप हम इसमें पिसी हुई चीनी डाल देंगे, 1/3 कप रिफाइंड ऑयल डाल देंगे हम, फ्लेवर के लिए वनीला एसेंस 1 टीस्पून डाल देंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे सारी चीज़ों को। तो ये देखिए सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं। तो 1 कप हमने यहाँ पर मैदा लिया है, आप चाहे तो गेहूँ का आटा भी ले सकते हैं। चॉकलेटी फ्लेवर देने के लिए हम इसमें 2 टेबल स्पून कोको पाउडर डाल देंगे। तो अच्छी तरह से कोको पाउडर को भी मिक्स कर देंगे, सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो आपको अभी ये ड्राई लगेगा तो हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध डाल देंगे। सारी चीज़ें हमने यहाँ पर रूम टेम्परेचर पर ली हैं, कोई भी चीज़ ठंडी या गर्म नहीं लेनी है। इसे हम बिना बेकिंग पाउडर और बिना बेकिंग सोडा के बनाएंगे। तो अगर आपके पास ये सारी चीज़ें नहीं हैं तो भी आप इस तरह से टेस्टी केक को बना सकते हैं। तो ये देखिए थोड़ा थोड़ा अभी ये गाढ़ा है, तो थोड़ा थोड़ा करके ही आप इसमें दूध डालिए और इसकी कंसिस्टेंसी को ठीक कर लीजिए। तो इसे अच्छी तरह से स्मूथ बनाने के लिए इसमें थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करेंगे और इसको हम बैटर को अच्छा स्मूथ बना लेंगे। तो आप देख सकते हैं बैटर की थिकनेस इतनी ही रखनी है। तो बैटर हमारा रेडी है, केक टिन को रेडी कर लेते हैं। जिस भी बर्तन में आपको बनाना हो उसको आप अच्छी तरह से ग्रीस कर लीजिए। केक का बैटर हमने थिक रखा था क्योंकि हमने इसमें 1 टीस्पून इनो डाल दिया है और 1 टीस्पून लेमन, जिससे कि बहुत ही फ्लफी हो जाएगा हमारा बैटर। अगर आप बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो थोड़ा सा इसकी रनिंग कंसिस्टेंसी कर सकते हैं। तो ये देखिए अपने आप ही ये स्मूथ हो गया है, इतना ही रखना था हमें। इनो डालने के बाद केक का बैटर तुरंत ही हमें केक टिन में डाल देना है, नहीं तो इसकी सारी एयर जो है वो निकल जाएंगी। तो अच्छी तरह से इसे हम डाल देते हैं और हल्का सा टैप कर लेते हैं केक के टिन को। तो घर में रखी हुई चीज़ों से ही आप बिल्कुल मार्केट जैसा केक बना सकते हैं, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है तो हमें बाहर की चीज़ें बिल्कुल भी नहीं मिल रही हैं। तो सारा बैटर हमने डाल दिया है और अब इसको हम टैप कर लेते हैं। तो चलिए अब कढ़ाई को प्रीहीट कर लेते हैं। कढ़ाई को कवर करके 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर प्रीहीट कर लेंगे। 5 मिनट अच्छी तरह से हमने इसे हाई फ्लेम पर गर्म कर लिया है। तो आप केक टिन रख लेते हैं, स्टैंड रखना ना भूलें। 20 मिनट के लिए बेक कर लेंगे इसे। तो पूरे 20 मिनट हो गए हैं, आप केक देख सकते हैं अच्छी तरह से फूल गया है। चेक कर लेते हैं किसी भी टूथपिक से इसे, ये देखिए आप नाइफ से भी चेक कर सकते हैं। तो केक बहुत ही अच्छी तरह से बेक हो गया है। केक की गार्निशिंग करने के लिए हम चॉकलेटी गनास बना रहे हैं विदाउट चॉकलेट, जिसके लिए हमने 1/2 कप कोको पाउडर लिया है, 1 टेबल स्पून मैदा लिया हमने, आप गेहूं का आटा भी ले सकते हैं, 1 कप पिसी हुई चीनी का पाउडर ले लिया है हमने, 1/2 कप हमने यहाँ पर घी ले लिया है मेल्टेड बटर, 1 टीस्पून हम इसमें वेनिला एसेंस डाल देंगे। अभी हमने गैस ऑन नहीं की है, बिना गैस ऑन किए हमें सारी चीज़ डालनी है। 1 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल ले लिया है हमने, अच्छी तरह से हम इसे मिक्स कर लेंगे। पहले हम इसे पैन या किसी भी बर्तन में मिक्स कर लेंगे जिसमें भी हमें गनास को बनाना है। तो पहले सारी चीज़ों को ऐड कर ले, इसके बाद ही इसे हमें गैस पर रखना है। तो अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मैं मिक्स कर लूँगी। सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं। तो अब हमने गैस का फ्लेम ऑन कर दिया है और बिल्कुल इसको मीडियम फ्लेम पर 1 मिनट ही चलाना है। देखिए मेल्ट अच्छी तरह से हो रहा है हमारा बटर और सारी चीज़ें मिक्स हो रही हैं। तो इसकी कंसिस्टेंसी को ठीक करने के लिए हम इसमें 1 कप अमूल की फ्रेश क्रीम लेंगे। अगर आपके पास अमूल की फ्रेश क्रीम ना हो तो आप 1/2 कप दूध और 1/2 कप घर की मलाई भी ले सकते हैं। तो ये देखिए हमने इसे बिल्कुल 1 मिनट ही अच्छी तरह से भून लिया है, और भूनना नहीं है बस इसको हल्की तरह से मिक्स करना है। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम ही रखें और 2 से 3 मिनट के अंदर ये बिल्कुल चॉकलेटी गनाश बनकर तैयार हो जाता है और बिल्कुल चॉकलेट से भी बहुत ही टेस्टी लगता है। तो अब हम इसमें 1 कप अमूल की फ्रेश क्रीम ले लेते हैं, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएंगे। अगर आपको टॉपिंग के लिए चाहिए है तो बस जिस तरह से मैंने कंसिस्टेंसी बताई है बिल्कुल उसी तरह से बना लीजिए, और अगर आपको थोड़ा सा रनिंग कंसिस्टेंसी का चाहिए तो आप इसमें थोड़ा सा और दूध डालकर इसको बिल्कुल स्मूथ बैटर भी बना सकते हैं।
तो मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ चॉकलेट गनास, आप इसे बनाकर फ्रिज में भी रख सकते हैं। फ्रिज में रखने से थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा, बिल्कुल चॉकलेटी फॉर्म में हो जाएगा। तो जब भी आप इसको इस्तेमाल करेंगे ना, तो आप हल्का सा इसको गर्म कर सकते हैं माइक्रोवेव या किसी भी पैन में, या फिर आप गर्म दूध डालकर इसकी कंसिस्टेंसी को ठीक कर सकते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल चॉकलेटी गनास बनकर तैयार हो रही है। दो से तीन मिनट के अंदर ही हमारी ये गनास बिल्कुल टॉपिंग बनकर तैयार हो जाएगी। तो अच्छी तरह से मिक्स करते जाएं इसे। तो लो फ्लेम पर हमने इसे देखिए तैयार कर लिया है। बिल्कुल इतना ही गाढ़ा हमें रखना है, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद थिक हो जाएगा। तो अगर आपकी कंसिस्टेंसी ज़्यादा थिक हो जाती है, तो आप इसमें गर्म दूध डालकर इसकी कंसिस्टेंसी को ठीक कर सकते हैं। पानी का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि पानी डालने से इसमें ज़्यादा अच्छा टेस्ट नहीं आएगा फिर। तो ये देखिए, अगर आपके पास अमूल की क्रीम ना हो, तो आप आधा कप दूध और आधा कप घर की मलाई भी ले सकते हैं। तो ये रेडी हो चुकी है, तो चलिए इसे भी हम थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल हमारी रेडी हो चुकी है। तो चलिए अब हम इसे थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। केक भी हमारा अच्छी तरह से ठंडा हो गया, तो इसे डीमोल्ड कर लेते हैं। और बहुत ही स्पंजी हमारा केक बना हुआ है। तो ये देखिए इजली ये हमारे टिन से निकला, और आप इसकी जालियां देख सकते हैं, ये कितना स्मूथ बना है। तो हम इसे वन लेयर का ही बना रहे हैं, आप चाहें तो बीच से कट भी कर सकते हैं। तो जो हमने गनास बनाया उसकी टॉपिंग हम कर लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल चॉकलेटी दिख रहा है ना, और मार्केट की जो फ्रेश क्रीम आती है उससे भी अच्छी और टेस्टी ये गनास बनकर तैयार होती है। तो बिल्कुल आप इसे ट्राई कर सकते हैं घर पर। अच्छी तरह से क्रीम को हम लगा लेंगे सभी तरफ से। बिल्कुल घर में रखी चीज़ों से ही आप इसे बना सकते हैं, स्पून से ही बना सकते हैं, क्योंकि हमारे घर पर सारी चीज़ें नहीं हैं अवेलेबल। तो हम देखिए बहुत ही ईजी तरीके से मैं आपको ये केक बनाना बता रही हूँ। आई होप कि आपको ये पसंद आ रहा होगा। तो अच्छी तरह से हम लगा लेते हैं इसे। क्रीम हमारी बहुत ही अच्छी तरह से लग गई है, तो अब हम इसमें चॉकलेट सिरप लगा लेते हैं। अगर आपके पास चॉकलेट सिरप ना हो, तो आप इसी गनास को हल्का सा लिक्विडी फॉर्म में कर सकते हैं, और इस तरह से आप ये देखिए ड्रिजल कर सकते हैं। तो मेरे पास हर्सेस का चॉकलेट सिरप था, तो मैंने उसे इस्तेमाल कर लिया है। बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास ये ना हो तो मैंने आपको जैसे बताया, बिल्कुल आप उसी तरह से इस चॉकलेट गनास में हल्का सा मिल्क मिलाकर इसको इसी तरह से आप बना सकते हैं। तो हल्का सा ये थोड़ा सा देखने में अट्रैक्टिव लगेगा। अगर आपके बच्चों का जन्मदिन है, तो आप इस तरह से इस केक को बनाकर उन्हें दे सकते हैं, क्योंकि मार्केट में सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं हो रही हैं। तो हमने चॉकलेटी गनास को भी पाइपिंग बैग में डाल दिया है। अगर आपके पास पाइपिंग बैग ना हो, तो आप किसी भी पॉलीथीन में बना सकते हैं, थोड़ा सा अपने हिसाब से कट कर सकते हैं। तो ये देखिए छोटे छोटे फ्लावर, बिल्कुल सिंपल तरीका ही बता रही हूँ, जिससे कि केक देखने में सुंदर और बहुत ही अट्रैक्टिव लगे। अब मैं बर्थडे केक बना रही हूँ, इसके लिए मैंने एक घर की रखी हुई पॉलीथीन ले ली है। अमूल की फ्रेश क्रीम में थोड़ा सा मैंने शुगर ऐड किया है, और बस इसमें हम थोड़ा सा नाम लिख देते हैं। आप हैप्पी बर्थडे लिख सकते हैं, एनिवर्सरी लिख सकते हैं, जो भी आपका दिल चाहे वो लिख सकते हैं। तो ये देखिए मैंने घर की पॉलीथीन पर ही इसे बनाया है, ये देखिए। तो अच्छी तरह से हम इसमें नाम लिख लेते हैं। थोड़ा सा और इसे अट्रैक्टिव बनाने के लिए मैंने यहाँ पर वफ़ल ले लिए हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पर चांदी वाले स्प्रिंकलर्स ले रही हूँ। आपके पास ये दोनों चीज़ें ना हो, तो आप बिल्कुल स्किप कर सकते हैं, चेरी लगा सकते हैं, या जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो सारी चीज़ें आप इस पर लगा सकते हैं। टॉफ़ी लगा सकते हैं, जेम्स की गोलियां लगा सकते हैं। तो ये देखिए हमारा केक बनकर तैयार है। तो ये देखिए बिल्कुल मार्केट स्टाइल, आप इसे बनाएंगे तो कोई नहीं कहेगा कि ये मार्केट से बना हुआ नहीं है। तो आई होप कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कॉमेंट करके बताइएगा, चैनल में नए आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक फॉर वॉचिंग। फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर करना ना भूलें।